नेटो ने अब मॉस्को पर हमले की प्रैक्टिस शुरू कर दी है और इसके लिए दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट को एक नए रोल में तैनात कर दिया गया है। ये फाइटर जेट अब ऐसी जगह से ऑपरेट कर रहा है जिसके बारे में पुतिन ने सोचा तक नहीं होगा। इसी बात को लेकर पूरे रूस में टेंशन फैल गई है क्योंकि यही नए युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। ये उत्तरी यूरोप है और यहां फिनलैंड की सड़क के ऊपर कुछ बहुत ही खतरनाक हो रहा है। सामने बहुत गौर से देखिए, आपको एक विमान नजर आएगा। यह दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है और फिनलैंड के उस हाईवे पर जहां गाड़ियां 200 किलोमीटर के रफ्तार से गुजरती हैं, वहां ये फाइटर जेट अचानक लैंड करता है। इस लैंडिंग के बहुत बड़े मायने हैं क्योंकि अब ये हाईवे आम हाईवे नहीं रहा, ये हाईवे अब नाटो और रूस के बीच युद्ध का हाईवे बन चुका है। इसी हाईवे से रूस पर हमले की तैयारी हो रही है। डर है कि ये हाईवे अब वर्ल्ड वॉर का लॉन्चिंग पैड भी बन सकता है। इस हाईवे पर वो फाइटर जेट उतारा गया है जो नॉर्वे को अमेरिका से मिला है। ये F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है और यहाँ फिनलैंड के हाईवे पर उतरने के बाद इस लड़ाकू विमान ने साबित कर दिया है कि इसे हाईवे से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये फिनलैंड और नॉर्वे के युद्धाभ्यास के वो पल हैं जिसमें नाटो ने अपनी पूरी ताकत को समेटकर उसे हर हालत में और खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करने का दावा कर दिया है। 18 सितंबर को ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ और इसमें लड़ाकू विमानों को गोरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया गया। विमानों की बैक टू बैक लैंडिंग हुई और उसके बाद उनमें ईंधन भरा गया। विमानों का इंजन बंद किए बगैर रिफ्यूलिंग इमरजेंसी में ही की जाती है। ऐसा युद्ध के दौरान ही किया जाता है। इसे कहा जाता है हॉट पिट रिफ्यूलिंग। इसके बाद विमान फिर से टेक ऑफ कर जाते हैं। ऐसे ही लड़ाकू विमान एक हमले के बाद दूसरे हमले के लिए तैयार किए जाते हैं। इसी दौरान एक टाइफून फाइटर जेट भी आता है और वो टच डाउन करके फिर से उड़ जाता है। ऐसे ही इस जहाज ने भी साबित कर दिया कि ये इस हाईवे से ऑपरेट करने के लिए तैयार है। रूस के लिए ये युद्धाभ्यास इसलिए खतरनाक है क्योंकि फिनलैंड और रूस के बीच करीब 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है और यहां पर नाटो का ऐसा युद्धाभ्यास साफ साफ मैसेज है कि मॉस्को पर हमले के लिए विमानों को ऐसे ही हाईवे से लॉन्च किया जा सकता है। फिनलैंड को इसी वर्ष नाटो में शामिल किया गया है और वो अब अमेरिका से ऐसे ही 64 F-35 फाइटर जेट खरीदने की तैयारी कर रहा है। सवाल है कि क्या रूस के लिए ये बहुत बुरी खबर है? 23 सितंबर की सुबह पुतिन उठे तो ये वीडियो देखकर वो जाहिर है बेचैन हो गए होंगे। पुतिन के सामने नाटो की ये नई ताकत है, नॉर्वे और फिनलैंड के बहाने ही सही, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि बाइडेन अब अपने सबसे खतरनाक हिटमैन से पुतिन को क्यों डरा रहे हैं, वो पुतिन को डायरेक्ट चैलेंज क्यों कर रहे हैं और इस खतरे का लेवल क्या है। आप इस बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट के बारे में जान लीजिए क्योंकि अमेरिका और रूस के भी किसी भी बड़ी टक्कर में अमेरिका सबसे पहला बार इस फाइटर जेट से करना चाहेगा। F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दुश्मन का विमान इसे नहीं देख पाता और ये उसको पहले ट्रैक करके उस पर हमला बोल सकता है। दुश्मन के ठिकानों के करीब भी ये रडार से बचकर पहुंच सकता है और वहां बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है। अमेरिका ने ये जहाज अब नाटो के कई देशों को सप्लाई कर दिए हैं और इसीलिए रूस और अमेरिका की टक्कर में अगर कोई हवाई हमले की अगुवाई, F-35 की अधिकतम रफ्तार करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे है। अमेरिका के पास अभी करीब 500 F-35 विमान हैं, लेकिन अमेरिका अब अपनी पूरी F-16 फ्लीट को F-35 से बदलना चाहता है और उसकी तैयारी है कि अमेरिका के एयरफोर्स में ऐसे करीब 2500 विमान होंगे। अमेरिका अब नाटो के अलावा अपने कई करीबी देशों को इस विमान से लैस कर चुका है जिसमें इजराइल भी है, जापान भी है और दक्षिण कोरिया समेत 9 देश हैं। इसलिए अमेरिका का इरादा साफ है कि वो पूरे यूरोप को इसी फाइटर से बचाना चाहता है।
नॉर्वे और फिनलैंड ने अब हाईवे पर इस जेट को उतारकर रूस के खिलाफ अपनी तैयारी दिखा दी है। ये आपके सामने दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस फाइटर जेट F-35 है। ये फिफ्थ जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भी है। इस एक लड़ाकू विमान की कीमत 1,000 करोड़ रुपए के करीब है। ये अमेरिका का सबसे महंगा फाइटर प्लेन है। ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट, जी हाँ, ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसका साफ तौर पर मतलब हुआ ये कि रेडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा, जो रेडार की पकड़ में नहीं आएगा। और इसकी बॉडी पर एक खास किस्म की कोटिंग होती है, जो कि रेडार तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। और इसके अलावा इस फाइटर जेट का रेडार, एवियोनिक्स और सभी सेंसर जो है वो बहुत मजबूत होते हैं, और इसी वजह से ये दूर से खतरे को सेंस कर लेता है। लेकिन इसके अलावा इसकी क्या खासियत है, पायलट का हेलमेट भी बहुत खास होता है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए होती है। देखिए, ये कॉकपिट है, और कॉकपिट में पायलट जब बैठता है तो एक खास तरह का हेलमेट लगाता है, जिस हेलमेट की कीमत 3 करोड़ रुपए के आसपास होती है। F-35 में मिसाइल बॉडी के अंदर छुपाई जा सकती है, जिसे इंटरनल बे में छुपाकर रखा जाता है। और इसके अलावा यहां और भी हथियार रखे जाते हैं, ताकि दुश्मन को रेडार सिग्नेचर ना मिले। और इसके अलावा इसके विंग्स की अगर बात करें, ये देखिए, इसके विंग्स अगर आप देखेंगे तो इसके विंग्स में 10 रेडियो एंटीना है, यानी कि 10 दिशाओं से भी अगर दुश्मन अटैक करने की सोचे तो दुश्मन के रेडार की वार्निंग पहले ही पायलट को मिल जाए और वो अलर्ट हो जाए। F-35 का कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, तो इसका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हैक प्रूफ है, यानी कि इस पर दुश्मन निगाह नहीं डाल सकता, इसे हैक नहीं कर सकता, जिस पर दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक अटैक नहीं कर सकता, यानी कि ये हैक नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसकी अधिकतम अगर रफ्तार की बात करें तो 2,000 किलोमीटर की इसकी रफ्तार है पर आर की, यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि कहते हैं कि बिजली की रफ्तार से ये आगे बढ़ता है, और ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अब इन विमानों को हाईवे पर उतारकर नेटो ने बता दिया है कि उसकी तैयारी हल्की नहीं है, वो रूस को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है। किसी भी युद्ध में दुश्मन के एयरबेस सबसे पहले टारगेट बनते हैं। नेटो को डर है कि युद्ध के हालात में पुतिन का पहला हमला उसके हवाई अड्डों पर करेंगे और फिर उनकी कमर तोड़कर रख देंगे, विमान की लाशें उनके हैंगर में बिछा दी जाएंगी, और फिर यूरोप के आसमान पर पुतिन का कब्जा हो जाएगा। अब आइडिया ये है कि ऐसे हाईवे को भी एयरबेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जहां पुतिन के लिए बमबारी करना आसान ना हो और फिर काउंटर अटैक के लिए मौका भी हो और विमान भी हो। पूरे यूरोप में पुतिन को लेकर दहशत बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात पुतिन और उनकी फौज भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। पुतिन के खिलाफ नेटो का मिलिट्री मीटर देखिए। अब तक ये नेटो का डिफेंसिव या रक्षात्मक नीति पर चलता रहा है, यूक्रेन की आड़ में रूस से लड़ता रहा है, लेकिन अब इसके मीटर का कांटा आक्रामक वाले दर्जे पर पहुंच चुका है। हाल ही में नेटो ने एयर डिफेंडर नाम का युद्धाभ्यास भी इसी लिए किया था। यही वजह है कि यूरोप से अब बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट भी लॉन्च हो रहे हैं। ये वीडियो पुतिन को डरने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि खतरा परमाणु हमले का भी है। ये अमेरिका का F-35 है। ये स्वीडन का ग्रिपेन है। ये ब्रिटेन का यूरोफाइटर है। यहां जर्मनी का यूरोफाइटर भी है। ये फ्रांस का राफेल फाइटर जेट है। ये नॉर्वे का F-18 सुपर हॉर्नेट है। ये बेल्जियम का F-16 है। इन सबके टारगेट पर है पुतिन की राजधानी यानी मॉस्को। ये फाइटर हर दिशा से उड़ेंगे और इनके निशाने पर होगी रूस की कैपिटल। रूस पर सबसे बड़ी बमबारी के लिए यूरोप और नेटो की एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर ये विमान रूस की सरहद में घुस गए तो क्या होगा? क्या पुतिन इन्हें रोक पाएंगे या मॉस्को पर ऐसी बमबारी करेंगे कि नौबत वर्ल्ड वॉर की आ जाएगी?
क्योंकि मॉस्को के आसमान में यूरोप के फाइटर जेट पहुंचे तो सीन कुछ ऐसा होगा। धमाके क्रेमलिन से लेकर रेड स्क्वायर के कोने कोने पर होंगे। कोशिश पुतिन की सत्ता को पूरी तरह हिलाने की होगी, लेकिन ऐसी बमबारी अगर हुई तो समझ लीजिए कि फिर विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। रूस पर हमले के बारे में अब तक नेटो ने सोचा नहीं था, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में हुई तबाही के बाद पूरा नेटो डरा हुआ है। उसे लगता है कि पुतिन को डराने के लिए जरूरी है कि आक्रामक नजर आया जाए, नहीं तो पुतिन यूक्रेन की तरह पूरे यूरोप को भी कच्चा खा जाएंगे। इसलिए यूरोप को बचाने का पूरा दारोमदार बाइडेन पर है और अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर F-35 पर है। अगर अमेरिका F-35 लाया है तो पुतिन इसके खिलाफ अपना सुखोई 57 फाइटर जेट लाएंगे। ये बहुत बड़ी टक्कर होगी। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट अगर एक दूसरे के सामने उतरेंगे और उनका आमना सामना हो गया तो ये यूरोप के आगे की टक्कर होगी। ऐसे हालात में विश्व युद्ध को रोकना मुश्किल हो जाएगा और नौपथ परमाणु युद्ध की भी आ सकती है। ये डर इसलिए क्योंकि इन फाइटर जेट्स की वजह से यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध होने का खौफ बढ़ने लगा है। ये दोनों फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। सुखोई 57 पुतिन का सबसे आधुनिक जेट है, जबकि F-35 दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर माना जाता है। ये दोनों ऐसी रेंज में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे जहां 100 किलोमीटर दूर से एक दूसरे पर हमला किया जाए। सुखोई 57 और F-35 की लड़ाई में पूरा रोल रडार का होगा और इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल इस्तेमाल होंगी। सुखोई 57 और F-35 ये दोनों ही स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जो रडार की पकड़ में नहीं आते। इन दोनों का मुकाबला हुआ तो रूस और अमेरिका की टेक्नोलॉजी की टक्कर भी होगी। जिसकी जीत होगी उसी के मुताबिक तय होगा कि कॉम्बैट एविएशन में रूस आगे है या अमेरिका। लेकिन इस सबसे बड़ी जंग में दुनिया तबाह हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मामला परमाणु हमले तक पहुंच सकता है।